गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान फंसे पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को हरिद्वार से ट्रेन के जरिए रवाना किया जाना था, लेकिन चक्रवाती तूफान के चलते पश्चिम बंगाल को जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिसके चलते श्रमिकों को हरिद्वार से वापस देर रात काशीपुर लाया गया। आपको बताते चले कि काशीपुर में विभिन्न फैक्ट्रियों तथा प्रतिष्ठानों पर प्रवासी श्रमिक कार्यरत थे, जिसमें कोलकाता व मालदा के करीब 280 श्रमिक लॉकडाउन के चलते यहां पर फंसे हुए थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन सभी बंगाली प्रवासी श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य की जांच एवं स्क्रीनिंग कराने के बाद लगभग दर्जन भर बसों से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया, जिन्हें हरिद्वार से ट्रेन के माध्यम से पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन मौसम विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न राज्यों से आने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया था और उत्तराखंड सरकार को श्रमिकों को न भेजने की अपील की थी, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने सभी श्रमिकों को वापस उनके स्थानों पर रखने की बात कही है, जिसके चलते हरिद्वार से सभी श्रमिकों को बसों द्वारा काशीपुर लाया गया। देखिए, जो पश्चिम बंगाल के श्रमिक हमारे थे, उनको ट्रेन के द्वारा हरिद्वार से पश्चिम बंगाल भेजा जाना था। हमने इनको हरिद्वार तक भेज दिया था, लेकिन इसी बीच वहाँ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो चक्रवाती तूफान है उसकी सूचना मिलने पर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने फिलहाल, जब तक ये तूफान का असर खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उनको यहीं स्टेट में ही रोकने के लिए बताया गया। इस आदेश पर हमारी राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया है कि भाई ये लोग यहाँ से आए हैं तो वहीं पर रखा जाए, इसी कारण ये हरिद्वार से वापस आए हैं। फिलहाल ये राहत शिविर और उनमें रह रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस ठेकेदार के अंदर में ये लोग थे, तो जैसे ही वहाँ की परिस्थितियाँ ठीक होंगी वैसे ही पुनः इनको भेजा जाएगा।